हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल्स को कट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल मशरूम, कैप्सिकम और बाकी वेजिटेबल्स ली हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे और इसके बाद गरम मसाला को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल को ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें हम पिज़्ज़ा ओरिगैनो को ऐड कर लेंगे। कोई भी सीजनिंग ऐड कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। पेरी पेरी सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स को मैंने मिक्स कर लिया। तो चलिए इसे बास्केट में डाल देते हैं। चलिए इस बास्केट को एयर फ्रायर में सेट कर देते हैं। हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए इस बास्केट को इसके अंदर सेट कर देते हैं और ये वेजिटेबल्स के साथ हमारी बास्केट रेडी है। तो चलिए इसे एयर फ्रायर के अंदर हम डाल देते हैं। इसे स्टार्ट कर लेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड लगा हुआ है और टाइम यहाँ पर 15 मिनट का लगा हुआ है। तो इसे हम 20 मिनट्स कर देते हैं। तो अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और बीच में हम अपनी वेजिटेबल्स को एक बार टॉस कर लेते हैं। ये मैंने टॉस कर लिया है। इसकी बास्केट को हम वापस लगा देंगे। और वेजिटेबल्स यहाँ ड्राई ना हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर को स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छे से क्रंची हो गई हमारी वेजिटेबल्स यहाँ पर। आप इस एयर फ्रायर की मदद से वेजिटेबल को सॉटे भी कर सकते हैं आसानी से। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ को इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टार्ची पोटैटोज़ हैं तो ज़्यादा बेटर है और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पोटैटो से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम बटर ऐड कर लेंगे जिसे मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर लेंगे और हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे और इसके बाद पेरी पेरी सीजनिंग ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी सीजनिंग को ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अपने एयर फ्रायर में इसे कुक करेंगे। इस बास्केट को वापस लगा देंगे। तो इस पोटैटो वेजेस के लिए इसे स्टार्ट कर लेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड लगा हुआ है और टाइम यहाँ पर 15 मिनट का लगा हुआ है। तो इसे हम 20 मिनट्स कर देते हैं पोटैटो वेजेस के लिए। टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री ही रहने देंगे और टाइम यहाँ पर हम 20 मिनट्स का कर देते हैं। तो अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इतने टाइम में हमारे पोटैटो वेजेस जो है रेडी हो जाएंगे। और 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे पोटैटो वेजेस देख सकते हैं आधे कुक हो चुके हैं। तो बीच में इसे हम एक बार टॉस कर लेते हैं ताकि ये इवनली कुक हो जाए। और इस बास्केट को हम वापस सेट कर देते हैं। जो बचे हुए पोटैटोज हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए ताकि हमारे पोटैटो वेजेस आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। बहुत ही ईजिली इस एयर फ्रायर में आप इस पोटैटो वेजेस को बना सकते हैं। और ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इसमें हम सबसे पहले बटर अप्लाई करेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पर होता है तो बहुत ही जल्दी अप्लाई हो जाता है। और मैंने यहाँ पर बटर अप्लाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई कर लेंगे। सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और कुछ यहाँ पर हम वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऑलिव्स को ऐड कर लेंगे हम। आप चाहे तो यहाँ पर कॉटेज चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम मोज़रेला चीज़ को ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा ओरिगैनो को स्प्रिंकल कर लेंगे और पिज़्ज़ा चिली को स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर ऑलिव से इसे गार्निश कर देंगे।
तो इस पिज्जा को बेक करने के लिए हम इस एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर प्री हीट करेंगे और 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो एयर फ्रायर है अच्छे से प्री हीट हो जाता है। टेम्परेचर नॉब से अब हम टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री का लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा एयर फ्रायर यहाँ पर अच्छे से प्री हीट हो रहा है और जैसे ही यहाँ पर ग्रीन वाली लाइट ऑफ हो जाएगी तो हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका होगा। तो इसे प्री हीट होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इस ब्रेड पिज्जा को बेक करेंगे। यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ हो चुकी है, यानी कि हमारा एयर फ्रायर यहाँ पर अच्छे से प्री हीट हो चुका है। और ये मैंने एयर फ्रायर की बास्केट को बाहर निकाल लिया है और इस ब्रेड स्लाइसेस को अब हम इसके अंदर रख देंगे। तो चलिए अब हम इस बास्केट को एयर फ्रायर में लगा देते हैं। इस पिज्जा को 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसे यहाँ पर 5-7 मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे इस एयर फ्रायर में। और ये हमारा पिज्जा रेडी है, आप देख सकते हैं। और इस बर्गर पिज्जा को बनाने के लिए कुछ हमें इस तरह के बंस की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले इन बंस में हम बटर को अप्लाई कर लेंगे। आप केवल मायनीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बटर अगर मिल जाता है बंस में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी में मैंने यहाँ पर बटर को अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं। और अब आपके पास मायो हो तो आप इसमें मायो अप्लाई कर सकते हैं या फिर सैंडविच स्प्रेड आते हैं आप उसे भी स्प्रेड कर सकते हैं। चलिए इसमें अब हम मायो को स्प्रेड कर लेते हैं, क्योंकि बर्गर है, बर्गर में मायो अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसे हम ऐसी पतली लेयर यहाँ पर लगा लेंगे मायो की, और इसी काम को सभी में करना है हमें। तो ये मैंने सभी में मायो को अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जो कि पिज्ज़ा की टॉपिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन वेजिटेबल्स को आप गैस पर भी सॉटे कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इन वेजिटेबल्स को माइक्रोवेव में सॉटे करूँगी। और कभी आपके पिज्ज़ा की वेजिटेबल्स अगर अच्छे से कुक नहीं होती है तो आप पहले से उन्हें सॉटे कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोवेव से बोल ले लेंगे, इसमें हम सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बड़े बड़े शेप में यहाँ पर कैप्सिकम को कट कर रखा है, इसे ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटोज को कट कर रखा है जिसका मैंने पल्प अच्छे से निकाल दिया है, तो इसे इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑनियन जिसे मैंने बड़े शेप में कट कर रखा है। और इन वेजिटेबल्स के साथ साथ हम यहाँ पर कॉटेज चीज को ऐड कर लेंगे जिसे मैंने बड़े बड़े शेप में कट कर रखा है। और हाफ कप हम यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स को ऐड कर लेंगे और पिज्जा ओरिगैनो को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा ओरिगैनो हाफ टेबल स्पून ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे यहाँ पर चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस को ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी सॉल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट हम यहाँ पर कम ऐड करेंगे। और सॉल्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। चलिए इसे हम ओवन के अंदर रख देते हैं। और आप इस काम को गैस पर भी कर सकते हैं, 3-4 मिनट के अंदर गैस पर भी ये काम हो जाता है। और अगर आप इसे माइक्रोवेव में करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल को आपको ब्लांच करना है या फिर सौते करना है तो आसानी से माइक्रोवेव में ये प्रोसेस हो जाती है। इस प्रोसेस को आप माइक्रोवेव की हाई पावर यहाँ पर पावर लेवल से आप टाइमर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सभी माइक्रोवेव में यहाँ पर क्विक स्टार्ट बटन होता है, 1 मिनट 2 मिनट भी किसी में लिखा रहता है, यहाँ पर क्विक स्टार्ट बटन मिल जाता है हर माइक्रोवेव में, ये ऑप्शन होता है। इसे भी अगर आप प्रेस करेंगे तो 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेस करके टाइम सेट कर लेंगे तो ये प्रोसेस आसानी से हो जाती है। बहुत ही इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बोल माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस माइक्रोवेव मोड पर होने जा रही है। अगर आपने यहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर स्पार्किंग होने लगेगी, बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस सॉटे से आप कई तरीके के पिज्जा बना सकते हैं, जिंगल पार्सल बना सकते हैं। और इसके डोर को अब हम क्लोज कर देंगे, तो क्विक स्टार्ट बटन हम 6 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 मिनट का टाइम सेट हो जाएगा। चलिए इसे सेट कर लेते हैं, 3 मिनट का टाइम मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं माइक्रोवेव की हाई पावर पर मुझे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना ताकि इन सब्जियों का क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसे अब हम ओवन से बाहर कर लेते हैं। और अब हमने जो वेजिटेबल्स को यहाँ पर सॉटे करके रखा है इस बंस के ऊपर ऐड करेंगे, और हमें इसे बंस के बेस के ऊपर रखना है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है, अब हम यहाँ पर चीज़ ऐड करेंगे।
चीज़ आप स्लाइसेस के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं तो यहाँ पर इसके अंदर आप रख सकते हैं, और अगर आपके पास ये चीज़ ब्लेंड है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे और इस बर्गर बंस के टॉप को इसके ऊपर हम रख देंगे ऐसे। आप चाहे तो इसमें कैबेज या फिर लेटस की लीव्स को रख सकते हैं। और इस बर्गर बंस के टॉप पे हम पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई कर लेंगे। इसे अच्छे से कवर करना है और इसके ऊपर अब चीज़ ऐड कर लेंगे। और इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा ओरिगैनो और पिज़्ज़ा चिली ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वेजिटेबल्स भी गार्निश कर सकते हैं। और इस एयर फ्रायर में हम 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर लेंगे। नॉब को 180 डिग्री ले जाएंगे और इसे प्री हीट करने के लिए यहाँ पर टाइमर 5 मिनट का लगा देते हैं। तो ये हमारा एयर फ्रायर प्री हीट होना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारी ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, इसका मतलब हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है। और 5 मिनट के अंदर ही एयर फ्रायर बहुत ही अच्छे से प्री हीट हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बर्गर बंस को मैंने बास्केट के अंदर रख दिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो चलिए इस बास्केट को लगा देते हैं और मेरा एयर फ्रायर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। चलिए इसे अब हम कुक कर लेते हैं। तो इस बास्केट को एयर फ्रायर में लगा देते हैं और इसे कुक करने के लिए यहाँ पर 180 डिग्री का टेम्परेचर ही रखेंगे। साथ ही यहाँ पर 5 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। 5 मिनट के अंदर ही ये कुक हो जाता है। तो ये बर्गर पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो चलिए इसे ओपन करेंगे। वाओ, बहुत ही डिलीशियस बना है ये। इसे हम बाहर कर लेंगे और इसकी बास्केट को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस ये बना हुआ है। इसी तरह बहुत ही कम समय में आप अपने एयर फ्रायर में इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं और आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें टोमेटो केचप या मायो के साथ। तो वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए हम इस चॉपर ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। इसके कवर को हटा देते हैं और इस ब्लेड को इसके ऊपर हम रख देंगे ऐसे। ऑनियन है जिसे मैंने बड़े शेप में ऐसे कट कर रखा है। कैप्सिकम को भी चॉप कर लेंगे और इसके कवर को अब हम बंद कर देते हैं। और इन सारी वेजिटेबल्स को अब हम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो इस बोल में इन वेजिटेबल्स को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी फाइनली चॉप हमारे यहाँ पर वेजिटेबल्स हो गए हैं बहुत ही कम समय में। और आप इस फूड प्रोसेसर की मदद से काफ़ी सारे वेजिटेबल्स आप एक बार में कट कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके जार की जो कैपेसिटी है काफ़ी बड़ी है। बहुत सारी वेजिटेबल्स आप एक बार में कट कर पाएंगे। और ये फूड प्रोसेसर बजाज ब्रांड का है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं किया है, आप चाहें तो इसे भी फाइन कर सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ सैंडविच बना रहे हैं तो यहाँ पर हम चीज़ ऐड करेंगे। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं प्रोसेस चीज़ के साथ साथ यहाँ पर मोज़रेला और सेडार चीज़ का ब्लेंड ऐड कर रही हूँ। आप इसका लिंक भी चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1/4 teaspoon हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि चीज़ और बटर में ऑलरेडी नमक होता है तो यहाँ पर हम नमक कम इस्तेमाल करेंगे। 1/4 tablespoon ऐड करेंगे यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पर अब हम पिज़्ज़ा ओरिगैनो को ऐड कर लेंगे और पिज़्ज़ा चिली को भी ऐड कर लेंगे। और 1 tablespoon यहाँ पर हम मायोनीज़ ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इस ब्रेड में बटर को अप्लाई कर लेंगे। बटर अगर रूम टेम्परेचर पर रहता है तो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और ये मैंने बटर को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और ये हमने जो चीज़ वाली फिलिंग बनाई है इस ब्रेड में हम रख लेते हैं। और इस वाली स्लाइस में हम थोड़ा सा टोमेटो केचप अप्लाई कर लेंगे और इसे कवर कर लेंगे। और इसके टॉप में भी हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे। और ये मैंने इसमें बटर अप्लाई कर लिया है और इसकी फिलिंग भी अच्छे से कर ली है। तो इस सैंडविच को अब हम 2 pieces में कट कर लेंगे ताकि एयर फ्रायर में इसे कुक करने में आसानी हो जाए, क्योंकि बास्केट का साइज़ छोटा होता है। तो यहाँ पर हम इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है। तो हमारा एयर फ्रायर भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। चलिए इसे अब हम ग्रिल कर लेते हैं, सैंडविचेस को प्रिपेयर कर लेते हैं। इस एयर फ्रायर की बास्केट में हम ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इस ब्रेड स्लाइसेस को इसके अंदर रख देते हैं हम। और इस सैंडविच को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर 160 से 180 का लगा देते हैं और टाइम हम यहाँ पर 10 मिनट का लगा देते हैं।
और इसी टेम्परेचर पर हमें इस एयर फ्रायर को प्री हीट भी करना होता है। इसे प्री हीट कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये हमारे सैंडविचेस यहाँ पर प्रिपेयर होने स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और आप इन सैंडविचेस को बीच में चेक भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे हम और थोड़ा सा और ब्राउन कर लेते हैं। तो ये हमारे सैंडविचेस अच्छे से पक गए हैं, इस बास्केट को बाहर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं हमारे यहाँ पर सैंडविचेस। चलिए ये सैंडविचेस को अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं जो कि हमने बनाए हैं इसे एयर फ्रायर में। फ्रेंच फ्राइज भी इस एयर फ्रायर में बना सकते हैं, और इसे आपको कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें पोटैटोस को पील करके उसे स्टिक के फॉर्म में कट कर लेना है, और फिर इन पोटैटो स्टिक्स को 30 मिनट के लिए एक बोल में पानी में डिप रखना है। इसके बाद इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है, और हो सके तो इसे किचन पेपर में हमें ड्राई भी कर लेना है। और मैंने यहाँ इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इस बोल में ऐड करूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स करके ऑयल की कोटिंग कर लेंगे, और फिर इसे बास्केट में ट्रांसफर कर लेंगे। इस बोल में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हटाने के लिए हम एक साथ ना डाल के इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा ऑयल बास्केट में नहीं जाएगा। और इस बास्केट को अंदर की ओर स्लाइड करने के बाद हम यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 15 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट कर देंगे। और टाइम सेट करते ही यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर प्रिपेयर होने लग जाते हैं। आप इसे बीच बीच में शेक भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इसके लिए आपको इसे सिंपली अपनी ओर पुल करना है और शेक करना है, और फिर स्लाइड कर देना है वापस। कुकिंग प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगी जहाँ से पॉज हुई थी, और जैसे ही कुकिंग फिनिश हो जाएगी आपकी एक बेल साउंड आती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कुकिंग प्रोसेस फिनिश हो गई है। और जब भी लगे कि आपकी चीज़ें सही से कुक नहीं हुई हैं तो आप फिर से टाइम और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें टोंग्स की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इसे और भी क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी फ्रेंच फ्राइज प्रिपेयर हुए हैं। इन्हें आप सिंपल सॉल्ट या फिर पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल करके एंजॉय कर सकते हैं। पेरी पेरी मसाला की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और एंजॉय करें फ्रेंच फ्राइज को हॉट टी या कॉफी के साथ।